नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर मथुरा से है, जहां पर जिला महिला चिकित्सालय में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। आरोप है कि महिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के द्वारा जैसे ही गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद ही महिला की मौत हो गई है। अस्पताल में हंगामा कर रहे परिजनों ने आरोपी चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद सीएमएस के द्वारा पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वही महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही अब पुलिस भी इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, इंजेक्शन लगाया, सबको लगाई, जब सबको नॉर्मल था, गई चल के अपने पैरों वाले यहाँ से बीमार ले गए अंदर। अंदर ले जाने बाद में वार्ड में हटा दिया, यू कह रहे घबरा गई है, घबरा गई कुछ नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन लगाने बाद में सिर्फ उनकी सांसें रुक गई है, तेरे सांस नहीं आ रही है इनको, सिर्फ सांस नहीं आ रही है, ये बीपी आई हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल आया है। तो क्या पोजीशन है? क्या खत्म हो तो खत्म बता दिया है, खत्म कर दी। इंजेक्शन लगने के बाद हुआ है? इंजेक्शन लगने के बाद में, इंजेक्शन लगने के बाद में करा है। डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है। तो मैंने भेज बोला था सब कुछ नॉर्मल ही होगा, कह रहा नॉर्मल ही होगा, पर्चा वर्चा मेरा सब कुछ नॉर्मल है एकदम। लाइब्रेरी होनी थी, लेके आए हम, कब लाए थे ये लाइट पर? सुबह लेके आए, सुबह पता नहीं क्या इंजेक्शन लगाया उन्होंने, इंजेक्शन लगाते हुए खत्म हो गया। डिलीवरी के दौरान मौत हुई है, परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया है, क्या कारण रहे? देखिए, कोई भी डॉक्टर हमेशा चाहेगा कि उसके पास से मरीज, और जैसे हमारा विभाग तो ऐसा जैसे माँ और बच्चा दोनों सही सलामत घर जाए, हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं। परंतु क्या कारण है, किस वजह से हमने हमारी, हम तो बीइंग डॉक्टर कभी कोई लापरवाही सोच ही नहीं सकते, कोई गलत इंजेक्शन और कुछ, तो जो विषय है कि किस कारण, मैं तो इस पे जांच करा के ही बता पाऊंगी कि क्या कारण था डेथ हो गई मरीज की, तो अभी तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता। और ये आरोप बिल्कुल गलत है कि हमने कोई गलत इंजेक्शन लगाया, कुछ किया, क्योंकि हम तो हमेशा मरीज के भले के लिए कार्य करते हैं। वही खबर कानपुर देहात से है, जहां पर जमीन के विवाद में दो पक्षों में कई राउंड फायरिंग हुई है। बताना चाहेंगे कि फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। युवक की हालत गंभीर देख अनफार में परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया है। हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल से कानपुर नगर हालत अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने थाना प्रभारी पर समय से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। गुस्साए परिजनों ने थाना प्रभारी से हाथापाई तक कर दी, और इस घटना के बाद घटनास्थल पर जिले के एसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, और यह पूरा मामला थाना मंगलपुर क्षेत्र के कस्बा झीझक का है। और संजीव कुमार राजपूत है, उसने मिलके गोली मार दी अलगू, उनका थाना है, उसने अलगू के लड़के ने, और चार पांच लोग और हैं वहाँ पे कैमरा लगे हुए, उससे बाकी सब देखिए कितने लोग थे, बस सीधे सीधे गोली चला रहे हैं। आप जब पुलिस के पास जाते थे, पुलिस मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं करता है, पुलिस कितनी मंगलपुर रहता सुनता ही नहीं था, मैं जान में जान रख दूंगा, ये मुख्यमंत्री देश की क्या दशा कर दी, योगी कहता है कि मेरा देश बहुत अच्छा है, योगी कोई देसी असला था या फिर लाइसेंस थी? बंदूक की बंदूक थी, मैंने नहीं देखा, मैं गेट के अंदर नहीं घुसे, की मारी गेट में जाम खड़ा कर दिया था, लड़का खड़ा था घर के अंदर, गोली मारी, हां घर के अंदर गोली मारी, गेट के बाहर से थाना मंगलपुर के झिंझक कस्बे में एक मकान के विवाद को लेकर के आज दोपहर बाद फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक की गोली लगी है, सीने के नीचे पेट में गोली लगी है, वो गंभीर अवस्था में उसको यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था, यहाँ से कानपुर के लिए रेफर किया गया है। जमीन के विवाद में जो जिस पक्ष ने गोली चलाई है, उस पक्ष के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? परिवार वालों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही थी,
हाँ, ये विवाद जो जमीन का विवाद था उसमें जो जिस पक्ष को गोली लगी है उस पक्ष ने खरीदा था और उस पर कब्जे के लिए प्रयास कर रहे थे, कब्जा कर भी लिया था। इस संबंध में सिविल न्यायालय में एसडीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र पड़ा था और थाना दिवस में भी प्रकरण आया था। एसडीएम साहब के द्वारा उसमें जांच की जा रही थी, इसी बीच ये जो है दोनों के बीच विवाद हुआ और ये गोली चली है जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। परिवार वाले वहाँ के थाना अध्यक्ष पे ही आरोप लगा रहे हैं। ये चूंकि विवाद जो है 15 दिन से चल रहा था, इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकारी और एसडीएम साहब दोनों संयुक्त प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसी बीच इन लोगों ने आपस में ये घटना कारित की है। जो जिन्होंने भी ये घटना की है नियमानुसार। वही खबर एटा से, जहां पर अवागढ़ देश की सीमा पर मां भारती की रक्षा करते हुए चीन के रेजांगला में 114 अहीर अमर शहीदों के लिए सीएम पैलेस में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, जिसमें कि क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के साथ ही क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को भी सम्मानित किया गया है। ये जो 1962 में जो चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ तो उसमें चुसूल चौकी पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की जो कंपनी तैनात थी उसमें 120 जवान हमारे थे मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में। तो ये युद्ध जो है दुनिया का ऐसा अनूठा युद्ध है, अद्भुत युद्ध है, जिसमें 1600-1700 की फौज एक तरफ और संसाधनहीन फौज के 120 सूरमा एक तरफ, लेकिन उन 120 लोगों ने वो बहादुरी की मिसाल काम की वहाँ लद्दाख क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर कि आज उसका सारी दुनिया लोहा मानती है। जो हमारे 6 सैनिक बचे बर्फ में दबे हुए निकले, वो भी हताहत थे, तो उसी के संबंध में आज उसको 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 18 नवंबर 1962 को युद्ध लड़ा गया था और उसको आज 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो 60 वर्ष में जो 60वीं वर्षगांठ है उस युद्ध की, उस शौर्य दिवस की, ये 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अवागढ़ के इन नौजवानों को जिन्होंने आज 18 नवंबर को ये निर्णय लिया कि हम अपना शौर्य दिवस मनाएंगे, जिससे हमारे देश के तमाम आयोजन हो रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम इन बच्चों ने किया है ये धन्यवाद के पात्र हैं कि निश्चित रूप से ये कार्यक्रम यहाँ हमारे नौजवानों में देशभक्ति और वीरता का भाव पैदा करेगा और उससे निश्चित रूप से हमारा समाज हमारा बुराइयां। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में राम रहीम के सत्संग में उस समय हलचल मच गया जब हिंदू संगठनों ने इस सत्संग का विरोध जताते हुए बाबा रामदेव के पोस्टर तक फाड़ दिए। बगैर परमिशन चल रहे इस सत्संग की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने सत्संग करा रहे आयोजक को हिरासत में ले लिया है और इस दौरान हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध जताते हुए आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाबा राम रहीम बलात्कार हत्या के मामले में सजाए अब तक कैदी है। बुराइयां छुड़वाने के लिए बीड़ा उठा रखा गुरुजी ने। स्कूली बच्चे भी आए हैं ना, स्कूली बच्चे आए, स्कूली बच्चों को कोई जबरदस्ती नहीं लाया, अपनी मर्जी से आए सब। आपको मालूम है बाबा पे दुराचारी का आरोप लगा हुआ है, देखिए सर दुराचारी वाली बात करते, श्री रामचंद्र जी के राजे में एक दिन पहले खूब मिठाइयां बांटी जा रही, ढोल ढमक्के बजाए जा रहे थे, रातों रात उसके खिलाफ साजिश हुई और वो साजिश सच्ची थी क्या, वो झूठा था सब कुछ। आयोजक कौन है, आयोजक तो बताइए, आयोजक यहीं पे बुला लेते हैं आपके सामने। नहीं तो कोर्ट, जो कोर्ट ने सजा दी है कोर्ट भी झूठा है। तो सर कोर्ट से कितने लोग सजा के बाद बरी हुए हैं, अभी तो उनके पास दो ऑप्शन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां से बरी भी हो सकते हैं, बाइज बरी हो सकते हैं, उनको निर्दोष भी साबित किया जा सकता है। यहाँ पर राम रहीम का सत्संग शाहजहांपुर में गतिविधियां आतंकवादी गतिविधियों के लिए शुरू किया जा रहा है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर नशा से लेकर के सभी गलत गतिविधियां इतनी थी वो चालू की गई थी इनके द्वारा, उसी क्रम में शाहजहांपुर को भी आग में झोंकने का काम किया जाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे आइए उसको देखिए, रुकवाइए। मैं यहाँ पर आया तो मैंने सबसे पहले देखा, मैंने पुलिस को फोन किया, पहले मैं पुलिस को फोन करता हूँ, पुलिस मौके पर आ गई थी, उसके बाद मैं आया, मैंने कहा कि ये यहाँ इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, इसका कौन मेन करता धरता है, तो एक सरदार जी मिले, उन्होंने कहा कि मैं आप मंत्री से बात करिए, आप फलाने से बात करिए, विधायक से बात करिए, दुनिया के उन्होंने हमको फोन सुनाए, मैंने किसी से वार्ता इसलिए नहीं की कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, इसलिए मुझे कोई से वार्ता नहीं, मैं जो काम करता हूँ वो हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझे कोई से वार्ता।
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां पर धार के मनावर क्षेत्र में हुई चोरी की वारदातों में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने बाइक से हथियार लेकर डिलीवरी देने जा रहे दो गिरोह को अरेस्ट किया है। बताना चाहेंगे कि इन दोनों बदमाशों से सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने 3 चोरी की वारदातों का करना कबूला है। बताना चाहेंगे कि तलाशी के आरोपियों के कब्जे से 85 अवैध पिस्टल और देसी कट्टे की बड़ी खेप के साथ चोरी किए गए करीब 8,00,000 रुपए सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। हमारी टीम जिसमें हमारे एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, एसडीपी धीरज बब्बर, टीआई नीरज बिलतरे और हमारी बाका नेहर और कुमारबंद की टीम, हमारी टीम लगातार क्राइम की टीम के साथ लगातार काम कर रही थी और पुलिस ने अभी 3 आरोपी को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी एक विनोद सिंह और एक दीपक सिंह सिकीकर, ये दोनों जिनके साथ दो उनके साथी पवित्र सिंह और राहुल सिंह, ये चारों सिकीकर हैं, चारों एक ही फैमिली के से कनेक्टेड हैं। इन्हें पुलिस ने पकड़ा, इनसे 3 चोरियां निकली हैं और इन चोरियों में करीब 10,00,000 रुपए का मशरूका और उसके अलावा इनसे करीब 85 हथियार जो है वो पुलिस ने रिकवर किए हैं और इन्हीं के साथ एक गुजरात का वांटेड क्रिमिनल है जगत सिंह सिकलीकर, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसपे गुजरात में बड़े मामले हैं, गुजरात की पुलिस द्वारा वांटेड है। ये जो पूरी जो रिकवरी है इसमें 85 हथियार जिसमें 6 पिस्टल और 40 जिंदा कारतूस पुलिस ने जब्त किए हैं और 3 चोरी के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसमें करीब 10,00,000 रुपए का मशरूका पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया। सर, ये अलग अलग ये जो सिकलीकर है वो एक ही परिवार के मेंबर्स हैं क्या? ये सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड है और ये ताला चाबी बनाने के नाम से कि हम ताला चाबी बनाते हैं, ऐसे करते हुए सूर्य मकानों में चोरी करने की वारदात करते थे। इनसे अभी पूछताछ जारी है, आगे जैसे साक्ष्य आएंगे सर बताएंगे। हमारी वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय मम रेंज में स्थित सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में यातायात माह के तहत सड़क सुरक्षा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। इस रैली की अध्यक्षता सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक केसरी चंद द्विवेदी ने की है। वही सड़क सुरक्षा में मुख्य रूप से स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। ये जो रैली निकाली गई है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे लोग सुरक्षित हों और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, नहीं तो लोग दुर्घटना होती है, दिव्यांग हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के उनके अंगों में जो है ऐसी त्रुटि हो जाती है कि जिससे जीवन भर उनको भोगना पड़ता है। और इससे जो है इस यात्रा से जो निकाली गई है इसके द्वारा जो है लोग हेलमेट लगाएंगे, नियम का यातायात के नियमों का पालन करेंगे और सड़क परिवहन निगम जो चाहता है कि आप नियमों का पालन करिए, हेलमेट लगाइए, डीएल रखिए और बाएं से चलिए जिससे किसी प्रकार की दुर्घटनाएं न हो और कोई समस्या ऐसी न बने जिससे आपको भी जो है समस्या में पड़ना पड़े और दूसरे भी जो है ग्रसित हो करके उस दुख में पड़ जाएं। इससे बचने के लिए जो है ये सड़क जो है यात्रा निकाली गई थी, ये यातायात यात्रा का जो अपना प्रारंभ किया गया था, इसीलिए इसका जो है मुख्य लक्ष्य यही था कि जिससे जो है सड़क दुर्घटनाएं बंद हो जाएं, सड़क दुर्घटनाएं ना हो, इसी सुरक्षा के ध्येय को लेते हुए जो है विभिन्न प्रकार के झांकियों के माध्यम से और ये अपने 1 किलोमीटर से अधिक दूरी की जो है ये अपनी यात्रा जो है निकाली गई है और जिससे जो है समाज के लोग देखेंगे, सड़क पर चलने वाले यात्री देखेंगे और उससे वो अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करेंगे। ये खबर एटा से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अवागढ़ मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक ब्लॉक अवागढ़ के सभागार में आयोजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता मुनी खान के द्वारा की गई है, जिसमें कि मुख्य रूप से नगर संयोजक, पूर्व मंडल अध्यक्ष अवागढ़ आदि मुस्लिम समाज के नगर गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बैठक में नगर पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है।
खबर मंदसौर से है, जहां पर जिला पुलिस लाइन मंदसौर में जनरल परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जिले के सभी थानों के पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारियों के साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद रहे। परेड की सलामी पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया मंदसौर के द्वारा ली गई। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड के लिए उपस्थित पुलिस बल के टर्नआउट के निरीक्षण भी किया गया। इसके साथ ही साथ पुलिस बल को टुकड़ियों में विभाजित कर परेड के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वही खबर एटा से है, जहां पर नगर पालिका चुनाव आते ही फुल नगर पालिका अध्यक्ष एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और सफाई अभियान को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा गांधी ने क्षेत्र में बुलडोजर से सफाई करवाई। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर भर में दौरा प्रारंभ कर दिया है। वही खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर एचआईवी एड्स के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभाती केसरी ने बताया है कि कभी भी ब्लड आप देते हैं या लेते हैं तो पहले एचआईवी टेस्ट जरूर कराएं। जेल में भी कैदियों के बीच एचआईवी के केस काफी देखे जा रहे हैं, इसमें भी प्रशासन को रोक लगाने एवं जागरूक करने की जरूरत है। एड्स एचआईवी एड्स डे 1 दिसंबर को पड़ता है, इसी के उपलक्ष्य पे हम लोग ये जागरूकता कार्यक्रम करवाए हैं एचआईवी एड्स पे, ताकि लोग और ख़ास करके महिलाएं जो हमारी माएँ बहनें और लोग हैं उन लोगों को किस तरह से हम लोग जागरूक करें, ताकि ये एचआईवी वाला बीमारी जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशेंसी वायरस वाला बीमारी है उन लोगों को ना आए। खास करके औरतें बहुत ही निर्मल और उन लोगों को पता नहीं रहता है, अनजान होने के वजह से उन लोगों को बीमारी अपने हस्बैंड से या फिर एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लिया, जानकार नहीं है, किसी से भी ब्लड ले लिया, ब्लड बैंक में नहीं आ सके, प्रॉपर जांच नहीं हो सका, जो डोनर पेशेंट रहा उसने ब्लड दे दिया और वो एचआईवी मरीज था और उसने पैसा के लालच में अपना ब्लड डोनेट कर दिया और एनीमिया का करेक्शन के लिए या खून के कमी का करेक्शन के लिए उन लोगों ने अपने शरीर में ब्लड चढ़ा लिया, या फिर जो उनके हस्बैंड लोग या फिर लड़का सब जो बाहर जाता है काम करने के लिए वो लोग एचआईवी ग्रसित होके वहाँ से दूसरे दूसरे स्टेट से आता है, यहाँ आने के बाद वो लोग अपना शादी ब्याह करा लेता है और एचआईवी ग्रसित होने के बाद भी किसी को बताता नहीं है कि मैं एचआईवी पीड़ित हूँ या दवाई खा रहा हूँ या इलाज नहीं करा रहा हूँ और यहाँ आके शादी कर लेता है, अनजाने में ये डिजीज़ अपनी बीवियों को दे जाता है। और यदि औरतें अपना एचआईवी स्टेटस के प्रति जागरूक ना रहें कि वो बीमार हैं, एचआईवी ग्रसित हैं या नहीं हैं, और उस दौरान यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये बीमारी माओं से बच्चों में भी जा सकता है। सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक यदि रेगुलर एचआईवी ड्रग खा रही है तो माँ से बच्चों में बीमारी जाने का कम उम्मीद रहता है, लेकिन फिर भी उसमें भी चांसेस 20% रहता है कि माँ दवाई खा रही है और बच्चा का ठीक से डिलीवरी नहीं हुआ या एनीमिया के लिए उसने ब्लड चढ़ा लिया या बच्चा होने के बाद उसको दूध पिला दिया अनजान में और प्रॉपर दवाई 95% ड्रग मेंटेनेंस उसने नहीं रखा है काफी दिनों से प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये बीमारी बच्चे को जा सकता है। रेगुलर यहाँ से दवाई चल रहा है, उनका अलग सब हिसाब भी है, मैंने अलमारी अरेंज भी किया गया है और जैसा मैडम बोली सही बात है कि उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे कि उसे किसी और को बीमारी न फैले और कैदियों को रेगुलर यहाँ भेज के जाँच रेगुलर सब तरह का जाँच, क्योंकि कभी कभी कैदी नहीं आते हैं और केवल दवाई ले जाते हैं, इसलिए उपयुक्त समय पर उनका जांच और दवाई पहुंच जाना चाहिए। परिचय दे दें सर, डॉक्टर वी के सर। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।